भूमि पूजन होते ही बरनाला में जश्न लाइव देखने को मिला। मानो ऐसा लग रहा था जैसे दीपावली का माहौल हो। अयोध्या में नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम जन्म भूमि पूजन के बाद बरनाला में खूब जश्न मनाया गया। जगह जगह लोगों और हिंदू नेताओं ने पटाखे फोड़े, आतिशबाजी चलाई और लड्डू बांटे। इस दौरान पूरे शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। बरनाला में श्री राधा कृष्ण बंसीवाला मंदिर में श्री रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इसी दौरान हवन यज्ञ भी करवाया गया और भोग उपरांत लड्डू बांटे गए और खूब पटाखे फोड़े गए। जानकारी देते विश्व हिंदू परिषद के सह प्रमुख आचार्य श्रीनिवास जी महाराज ने बताया कि आज का दिन बड़ा खास है। जो कार्य सदियों से नहीं हो सका उसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इसी दौरान बाजारों में भगवान श्री राम के जगह जगह झंडे लगाए गए। बरनाला में विश्व हिंदू परिषद, श्री राम जन्मभूमि उत्सव कमेटी व अन्य संस्थाओं की तरफ से श्री रामायण पाठ के भोग डाले गए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद हवन यज्ञ भी किया गया जिसमें लोगों ने आहूतियां डाली। इस दौरान भगवान राम जी के जयकारों से बरनाला नगरी राममय हो गई। बरनाला से हलचल के लिए अरिहंत गर्ग की रिपोर्ट। ये जो आज के कार्यक्रम के बारे में तो पूरे विश्व को वैसे पता ही है, मैं विश्व हिंदू परिषद का धर्माचार्य प्रमुख स्वामी श्रीनिवास आचार्य जी महाराज लक्ष्मीनाथ धाम मंदिर वाले। तो आज जो प्रोग्राम है हमारे बरनाला में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये रामचरितमानस का कल पाठ रखा गया, आज विधिवत पूजा अर्चन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा की गई और भोग डाला गया। इसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष यशपाल शर्मा जी एवं महामंत्री राजकुमार धूलकोटिया जी और सभी हम नीलमणि समाधिया जी और हनुमान शास्त्री जी, ये सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मैं यही बताना चाहूँगा, इस समय बड़ी खुशी का माहौल है और ये खुशी कोई साधारण खुशी नहीं है, ये खुशी परमात्मा की खुशी है, क्योंकि परमात्मा से बड़ा संसार में इसमें कुछ नहीं है। आज हमारे रामलला जिसका 500 वर्ष से इंतजार था, आज हमारा पूर्ण हुआ। ये संघर्ष किया, भगवान ने सबकी परीक्षा ली, क्योंकि कोई भी वस्तु है हम लेते हैं तो उसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं ठीक है कि नहीं है। इसी प्रकार से भगवान ने सब भक्तों की परीक्षा ली और भक्तों ने पूरा तन मन से धन से हर प्रकार से भगवान के चरणों में समर्पित रहे, संघर्ष किया और माननीय कोर्ट के द्वारा ये शुभ घड़ी का अवसर प्राप्त हुआ। और बड़ा अच्छा पर्व है, बड़ा अच्छा दिन है आज का दिन, और आज का शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक और वेदों के अनुसार जो आज मुहूर्त किया जा रहा है राम जन्मभूमि का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बताया गया है। और हमारे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल के आर्यस की तरफ से, जो इस राधा कृष्ण बाबा बंसी वाले मंदिर में श्री रामचरितमानस का पाठ रखाया गया, वो जो है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रखा गया, उसके निमित्त हवन किया गया, पूजा किया गया, पाठ किया गया और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जो है रामायण को संपूर्ण किया गया और भोग डाला गया, आरती किया गया। मैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी हनुमान शास्त्री, जो कि श्री अयोध्या धाम से हैं, अयोध्या धाम हमारे पास निकट क्षेत्र में ही पड़ता है, जो कि पूरा आना जाना सारा कुछ लगा रहता है। आज बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई। लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को बड़ी इच्छा थी, बड़ी लगन थी कि मंदिर का कार्य जल्दी से जल्दी बन जाए और मंदिर में लोगों की आना जाना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि दुनिया आएगी जाएगी। भगवान राम जो हैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि अभी हमारे शास्त्री जी ने बताया कि भगवान राम जो है मर्यादित हैं, उनके कहने हुए, उनके बताए हुए वाणी पर और उनके बताए हुए राह पे हम लोगों को चलना है और उन्हीं के बताए हुए पद्धति पे चलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आज बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त में हमारे सभी मित्रगण, सभी सहयोगीगण बड़ी धूमधाम के साथ, बड़ी श्रद्धा भावना के साथ जो है मनाया जा रहा है, जो कि आज का दिन, आज का जो समय बहुत ही प्रबल और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शुभ है। सभी लोग कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी को बहुत बहुत मैं साधुवाच करता हूँ कि सभी लोग भगवान के चरणों में रहें, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें और दिन पर दिन ही भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान रामचंद्र जी हम सभी लोगों के घर में सुख शांति दें, सुख समृद्धि प्रदान करें।